नमस्कार, लोकसंदेश न्यूज मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। मी तेजस्विनी शर्मा, बघूया आजच्या ठळक घडामोडी। जत शहर मुस्लिम समाजाच्या वतीने पुलवामा भ्याड हल्ल्याचा निषेध, शहरातून कॅन्डल मार्च काढून पाकिस्तानचा निषेध। काश्मीर मधील पुलवामा जिल्ह्यात पाक दहशतवाद्यांनी भारतीय सेनेतील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर पाक दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध म्हणून जत शहर मुस्लिम समाजाच्या वतीने शहरातून कॅन्डल मार्च काढून शहीद जवानांच्या प्रति संवेदना व्यक्त करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली। शहराच्या मध्यभागी असणाऱ्या शाही मशीद परिसरात हजारोंच्या संख्येने मुस्लिम बांधव एकत्र आले। विषय संवेदनशील असल्याने देशावरील प्रेम व देशभक्तीने भारावलेले सर्व धर्मीय आबालवृद्धही मार्चमध्ये सामील होऊन आपण सर्वजण एकजूट असल्याचे दाखवून दिले। कॅन्डल मार्चचे आयोजन प्रतिष्ठित व्यापारी हाजी बंदे नवाज पटाईत, मकसूदभाई नगरजी, शफीक इनामदार, राजू मुल्ला, माजी नगराध्यक्ष पट्टू गवंडी, सलीम गवंडी, माजी नगरसेवक मुन्नाभाई पखाली, फारूक मणियार आदींच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले। यावेळी आमदार विलासराव जगताप, राष्ट्रीय काँग्रेसचे युवा नेते विक्रमदादा सावंत, हाजी रशीदभाई पटाईत, डॉक्टर अजीम चट्टरकी, उद्योजक व नदाप मोहल्ला कमिटीचे अध्यक्ष मुबारक नदाप, इंजी राजू इनामदार, सलीम पाच्छापुरे, रज्जाकभाई नगरजी, हाजी एजाज हुजरे, अविनाश वाघमारे, बसवराज चव्हाण, शाखा अभियंता बागवान साहेब, KM हायस्कूलचे प्राचार्य रियाज अहमद सय्यद यांच्यासह हजारोंच्या संख्येने मुस्लिम व हिंदू बांधव कॅन्डल मार्चमध्ये सहभागी झाले होते। थोरली वेस येथून मुख्य बाजारपेठेतून निघून महाराणा प्रताप चौक, छत्रपती संभाजी महाराज चौक, किस्मत चौक मार्गे मारुती मंदिर येथे शोकसभा पार पडली। संतप्त जमावाकडून पाकिस्तान मुर्दाबाद, त्याचबरोबर भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे, त्याचबरोबर पाकिस्तानचा निषेध म्हणून पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या। नंतर 2 मिनिटे मौन पाळून हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। उपस्थितांनी या हल्ल्याची निंदा करून पाकमध्ये घुसून दहशतवाद्यांना ठार मारण्याचे आवाहन यावेळी केले। मैं इस देश के सभी मुस्लिम, इस शहर के सभी मुस्लिमों के तरफ से इस भारत सरकार को यह कहना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इन अतिरेकी को, जिन्होंने ये दहशतवादियों को जगह दी है, पना दी है, उस पाकिस्तान को कड़ी सी कड़ी सजा देना चाहिए, उसके पर कड़े से कड़े सजा देना चाहिए। हम सब मुस्लिम भाई प्रधानमंत्री के साथ कंधे को कंधा मिलाकर एकजुट होकर हम साथ देते हैं। हमारी देश की अखंडता एकता कायम रखने के लिए हम सब जन भारत सरकार के साथ है। आजाद के लिए लगे हुए थे, आज अगर एक बात सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम जो यहाँ ऐश व इशरत के साथ रह रहे हैं, आराम के साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, फिर रहे हैं, बस उनके बदौलत कर रहे हैं, उनके सदक़े तुफेल कर रहे हैं कि वो हमारे लिए हर वक्त वहाँ हिफाजत का पहरा धरे हुए हैं और पहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम खा रहे हैं। अगर वो पहरा छोड़ दें तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे जो नौजवान शहीद हो चुके हैं, एक तो कुरान पाक की आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन ऐसा मज़ा जो आज हुआ है, हम इसका विरोध भी करते हैं और निषेध भी करते हैं कि इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सबसे पहले हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन शहीदों को ऊंचा से ऊंचा मकाम नसीब फरमाएँ, और फिर इसके साथ साथ उन नौजवानों के जो परिवार हैं, उन परिवारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद नसीब फरमाएँ।